हमारे इधर हर साल पानी भरता है, जिसका कोई सहयोग नहीं होता, खाली आते हैं, सब सहयोग करके जाते हैं। आमदार साहब जीत गए, 3 साल से जीतते जा रहे हैं, लेकिन आज तक यहाँ पे वालगुंडी में कोई विकास नहीं हुआ। लगातार 3 दिन से हो रही बारिश ने मुंबई करों की हालत खराब कर रखी है। मायानगरी मुंबई भी बारिश की वजह से कहीं ना कहीं रुक जाती है। बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति पैदा होने से मुंबई करों को काफी परेशानी होती है। ये नजारा इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये है उल्हासनगर का, जहां पर नदी के उफान में आने के बाद लोगों के घरों के आस पास 4 से 5 फीट पानी भर गया। इस पानी की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान मेट्रो मुंबई ने भी यहां के लोगों का हाल जाना कि आखिर इस पानी की वजह से उन्हें कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र त्रिपाठी, मैं शिवाजी वालगुंडी में रहता हूँ। हमारे इधर हर साल पानी भरता है, जिसका कोई सहयोग नहीं होता, खाली आते हैं, सब सहयोग करके जाते हैं। हमारे सब वालगुंडी के लोग वासी इसमें फंसे हुए पानी में, लेकिन कोई यहाँ पे कोई सहयोग नहीं होता है, किसी का कोई मदद नहीं होता है। और यहाँ वालगुंडी के जो नगर सेवक है स्थानीय, वो भी आते हैं, थोड़ा हेल्प करके जाते हैं, मतलब लोगों को बता के जाते हैं। कितने बजे पानी भरना शुरू हुआ? और पानी 2 बजे से भरना चालू हुआ पूरा। अभी तक आपको कोई आर्थिक मदद मिली यहाँ से? अभी आर्थिक मदद तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला। अभी KDMC के लोग आए थे, उन्होंने आके थोड़ा सहयोग किया, सबको बाहर निकाले। जैसे पुलिस वाले लोग आए थे अभी, उनका भी बहुत सहयोग हुआ हमारे साथ, हमारे वालगुंडी में सब लोग ने सहयोग किया। इसलिए चाहता हूँ कि वालगुंडी में यहाँ बांध बनने का कब से तैयारी चालू था कि दीवार बनाएंगे, लेकिन आज तक यहाँ पे दीवार बनना कुछ भी नहीं बना। आमदार साहब जीत गए, 3 साल से जीतते जा रहे हैं, लेकिन आज तक यहाँ पे वालगुंडी में कोई विकास नहीं हुआ। हर साल मनपा दावा करती है कि उनका काम पूरा हो चुका है, नाले सफाई का काम पूरा हो गया है, लेकिन हर साल हालात यही होते, हर साल जल जमाव होता है, हर साल 4 से 5 फीट पानी इन लोगों के घरों में घुसता है। और उल्हासनगर नदी उफान पर आने के बाद वालगुंडी नदी के किनारे के घरों में नदी का पानी घुस गया, वही वालगुंडी नदी की चपेट में कई घर आ गए और मनपा इस पर चुप बैठी है। हालांकि समय रहते मनपा ने सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसे ही पानी की वजह से इन्हें अपना घर छोड़कर जाना होगा। मेट्रो मुंबई के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट।